हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे ही आप सबको पता है, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की सीरीज चला रहे गाइस। बहुत चैप्टर कंप्लीट कर लिए गाइस। आज हम आप पहुंचे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर पे। तो गाइस, इसके पहले हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर किया था गाइस। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो गाइस डू वॉच इट। सो गाइस चलो, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड गाइस हैलोजन डेरिवेटिव से आप देख रहे होंगे। ऑर्गेनिक में एक दो बेस की रिएक्शन है, मीन्स 8 से 9 रिएक्शन एक चैप्टर, 8 से 9 डेफिनेशन एक चैप्टर में गाइस, इम्पोर्टेंट वाली उसकी। यानी हाँ, ऑर्गेनिक में से रिएक्शन ज्यादा आती है गाइस। तो रिएक्शन की सीरीज हमने स्टार्ट किया गाइस, 4-5 चैप्टर ऑलरेडी कम्प्लीट हो भी चुका है गाइस। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे भी आप सर्च करो गाइस, मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम डेफिनेशन आती है। तो गाइस चलो ये कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। और एक बार फिर से डिस्क्लेमर, जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट किया हाल ही में 1 महीना पहले, अगर बचे हैं कुछ चैप्टर्स तो इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट लिखा है वही डेफिनेशन आपको पढ़नी है। और जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है फिर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो गाइस उन्होंने पूरी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेनी है जो इम्पोर्टेंट लिखा है और जिसपे नहीं लिखा, क्योंकि कभी कभार ना जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो एमसीक्यू में ऐसे इसमें आ जाती है। तो चलो हम बढ़ते आगे। तो गाइस कीटोन और उसका क्लासिफिकेशन, डिफाइन कीटोन एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन है गाइस बहुत बार आ चुका, मैंने एग्जांपल के साथ दिया है गाइस यहाँ पे आपको। कीटोन सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन और मिक्स्ड एयर अनसिमेट्रिकल, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि डिफाइन सिंपल और व्हाट आर द सिंपल कीटोन, व्हाट आर द सिमेट्रिकल कीटोन। गाइस अल्डोल कंडेंसेशन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस में से एक है, सीधा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन अल्डोल कंडेंसेशन। तो थियरी लिखनी पड़ती है, डेफिनेशन ऐसा कुछ लिखना पड़ता है। तो गाइस डेफिनेशन लर्न करो, या फिर आपको अगर रिएक्शन आ रही होगी तो रिएक्शन से डेफिनेशन बनाना सीखो गाइस, इम्पोर्टेंट है। इसे देख लो डेफिनेशन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से करना सीखो। कैनिजोरो रिएक्शन इम्पोर्टेंट रिएक्शन में से एक है। एग्जाम्पल दिया है मैंने कि कौन से एल्डिहाइड इसके अंडर जाते हैं, मीन्स कौन से एल्डिहाइड कैनिजोरो रिएक्शन देते हैं, तो उसका मैंने एग्जाम्पल के साथ दिखाया गाइस। ये देख लो गाइस, फॉर्मेलिन 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है गाइस, फॉर्मेलिन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं गाइस। रॉसनमोंड रिएक्शन इम्पोर्टेंट रिएक्शन में से एक है, व्हेन एसाइल क्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। उसके बाद स्टीफन रिएक्शन एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है गाइस, जितने भी नेम रिएक्शन है ना वो एक्सप्लेन करने को आती है और सबसे ज्यादा रिएक्शन वही आती है, नेम रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन। उसके बाद इटार्ड रिएक्शन देख लेना गाइस, नेम रिएक्शन कौन सी भी छोड़नी नहीं है। फेडरल क्राफ रिएक्शन फिर से आ चुके गाइस, पिछले चैप्टर में भी हमने फेडरल क्राफ रिएक्शन देखी है गाइस। तो इस चैप्टर में मतलब आप समझ सकते हो उस रिएक्शन का लेवल कितना बड़ा है पेपर में आने का। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके डेफिनेशन को कोई भी पूछता गाइस। सोप एक इम्पोर्टेंट मीन्स पिछले 2 साल से ये नई डेफिनेशन, मीन्स नई नहीं है लेकिन बोर्ड के पैटर्न में ऐसे डेफिनेशन भी पूछना चालू किए, जैसे फॉर्मेलिन सोप। तो ये भी डेफिनेशन देख लो गाइस, द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर नोन एज सोप। तो गाइस ये कुछ थी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की डेफिनेशन गाइस। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनको फिर बता दे रहा हूँ गाइस, सिर्फ इम्पोर्टेंट कर लो, आ जाएगा गाइस, कुछ नहीं है। अब क्या हो गया, आप टाइम बचा है हाल ही में, कुछ रोना धोना करके कुछ फायदा नहीं है। जितना मैं दे रहा हूँ उतना करो गाइस, पास तो हो जाओगे। और इस समय पढ़ाई करके ये अपेक्षा नहीं रखने की कि हमें 70 out of 70 लाने, तो इम्पॉसिबल है आपके लिए, मैं मुंह पे बोल देता हूँ इम्पॉसिबल है। स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए गाइस। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट रहा तो भेज दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जरूर बताना गाइस, मैं हर कमेंट से रिप्लाई करता हूँ गाइस। और हमारी बहुत सीरीज चल रही है गाइस इम्पोर्टेंट लास्ट मिनट रिविजन की, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं गाइस, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो। तब तक के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।